हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस वीडियो विल बी इन हिंदी लैंग्वेज एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा 48 आवर्स पीटी स्टडी प्लान। Yes, बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो YouTube के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस देख रहे हो। तो गाइस, मेरे को कई बार स्टूडेंट्स का कोचिंग के लिए फोन आता है और मुझे ये कहते हैं कि सर, मैंने 2 महीना 3 महीना 4 महीने, एक लड़की ने मुझे फोन किया, 6 महीने पीटी की प्रैक्टिस करते हुए हो गया, लेकिन मुझ में ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं घर में कैसे प्रैक्टिस करूं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो अगर आप भी अच्छा 48 आवर्स स्पेंड करना चाहते हो पीटी के ऊपर, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, बिकॉज टाइम इज मनी। 2-3 महीने लगाने की जरूरत नहीं है। एज पर माई एक्सपीरियंस, मैं अपने स्टूडेंट को सिर्फ 4 वीक्स की कोचिंग देता हूं ज्यादा से ज्यादा, और कईयों को तो 1 हफ्ते की 2 हफ्ते की 3 हफ्ते की लेवल के ऊपर होता है। ये मत सोचो कि पीटी को अगर आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने आपके अच्छे नंबर आएंगे, ऐसा नहीं है। पीटी कोई ग्रेजुएशन करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। कई बच्चे 6-6 महीने लगा देते हैं, 3-3 महीने लगा देते हैं। टाइम इज मनी। अब मैं आपको बताऊंगा 48 आवर्स आपने कैसे स्पेंड करने हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है पीटी के ऊपर, क्योंकि इस 48 आवर्स में आप सारा कुछ सीख जाओगे। अगर आपके पास सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, पता है आपको कि आपने कैसे करना है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सामने चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये 48 आवर्स चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, घर में करना है आपने। ये बेस्ट स्टडी प्लान है और इसी स्टडी प्लान से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हो चुके हुए हैं और उनके भी अच्छे स्कोर्स आ गए हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। हर कोई स्टूडेंट मेरे को कॉल करता है ना, तो यही कहता है, मैं उनको जब मोटिवेट करता हूं, दूसरों के रिजल्ट बताता हूं कि उसके 10 दिन में 7 ईच आ गए, 2 हफ्ते में 8 ईच आ गए, 1 दिन में 6.5 ईच आ गए, वो ये सोचता है, आगे से मुझे ये जवाब देता है कि मैं तो नलायक हूं, वो होशियार होगा। हम टीचर हैं, हमारे पास हर एक स्टूडेंट आता है, तो सारे होशियार नहीं आते। कईयों की इंग्लिश अच्छी भी होती है, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास जो सारे स्टूडेंट आते हैं वो सारे होशियार ही हो। ऐसे रिजल्ट निकाले हैं जो 5 ईच लेकर आना चाहते थे, उनके 7 ईच आए 10-10 दिनों में। कैसे? अगर आपके पास अच्छा स्टडी प्लान होगा, पता होगा कि इस टाइम के ऊपर मैंने ये करना है, इतने घंटे यहां पर लगाने हैं, इतने मिनट्स लगाने हैं। टाइम इज मनी, पैसा आप दोबारा कमा सकते हो, टाइम वापस लेके नहीं आ सकते हो। ये हमारे कोचिंग का रूल है, हमारी पॉलिसी है कि हमने जितने भी स्टूडेंट पढ़ाने हैं उनका टाइम वेस्ट नहीं करना, महीने नहीं लगवाने, महीने लगवाने की जरूरत नहीं है। क्यों हम आपका टाइम और पैसा वेस्ट करें? मैं हर एक स्टूडेंट को 4 हफ्ते में थोड़ा डालता हूं। मेरे कई स्टूडेंट आते हैं, उनका रिजल्ट देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उनको बताते हैं कि आपका 2 हफ्ते लगेंगे, आपके 3 हफ्ते लगेंगे, बाकी लेवल के ऊपर डिपेंड रखता है। मैं 4 हफ्ते से ज्यादा किसी को कोचिंग देता ही नहीं हूं, मैक्सिमम, चाहे आपका लेवल 0 हो। अब देखो जी, 48 आवर्स को अगर हम 4 आवर्स में डिवाइड कर लें पर डे के हिसाब से, 12 दिनों में आपकी पीटी कंप्लीट घर में बैठ के, ठीक है, 12 दिनों में, सिर्फ 12 डेज अगर आप 4 आवर्स पर डे निकालते हो पीटी के लिए। अब 4 आवर्स, कई बच्चे 6 आवर्स भी निकाल लेते हैं, कई बच्चे 7-8 आवर्स इसके ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, फिर भी प्रैक्टिस नहीं हो रही। वजह क्या है? टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। 6 घंटे आप निकाल तो रहे हो, लेकिन उसी सेक्शन के ऊपर आप लगा रहे हो जो आपको आता है, उसको करने से बेनिफिट हो क्या रहा है? आपका वही सेक्शन इंप्रूव हो रहा है, बाकी तो नहीं हो रहे। हमने क्या करना है? ये देखो, 4 सेक्शन होते हैं, मैं इसको छोटा करता हूं थोड़ा सा ताकि आपको सारा दिखे। हमने 4 आवर्स पर डे निकालना है बस। अगर आप 4 आवर्स भी नहीं निकाल सकते हो, आप इसको और भी कम कर सकते हो, 2 आवर्स निकाल सकते हो। वैसे कोशिश करो
24 आवर्स में से अगर आपको मैंने कह दिया है कि 4 आवर्स निकालो, आई थिंक आपके लिए इजी होगा। लगातार 4 आवर्स बैठने की जरूरत नहीं है, जब भी आपको टाइम मिले, और जब टाइम मिले ना तो टाइम देखकर बैठना है। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, इसमें डिवाइड कर लो आप। और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो काम से आने से पहले 2 घंटे लगा के जाओ, उठना पड़ेगा। डेडिकेशन, अगर 12 दिनों में अगर आपने स्टडी प्लान बनाया है तो बनाना है, इसको प्रिंट आउट निकाल लो, सामने अपने दीवार पे लगा लो, ये प्रूव्ड है गाइस, प्रूव्ड। मेरा मेन मोटिव है आप लोगों को सही गाइड करना। रिजल्ट आ चुके हुए हैं लोगों के 7 ईच 8 ईच, मैं भी यही स्टूडेंट्स को देता हूं। अब देखो करना क्या है, अगर मैं 4 आवर्स के हिसाब से चलता हूं, वो आपने डिवाइड करना है 24 आवर में से। हमने 4 आवर्स कैसे डिवाइड करनी है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, एक एक घंटा लगा लो वो आपके ऊपर, या 2 आवर्स की शिफ्ट लगा लो। लेकिन एक बार याद रखो, 4 घंटे लगातार नहीं पढ़ना। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, लगातार देखो लगातार पढ़ोगे माइंड रिलैक्स नहीं होगा, लगातार 4 घंटे नहीं पढ़ना कभी भी। डिवाइड करो, 2 आवर्स पढ़ लो, उसके बाद रिलैक्स करो, म्यूजिक सुनो, खाना पीना खाओ, इधर उधर जाओ, बातें करो, फिर उसके बाद उस टाइम के ऊपर जब आपने पढ़ लिया, जब आप फ्री हो तो ध्यान आपका पीटी की तरफ नहीं होना चाहिए। जब पीटी कर रहे हो तो बाहर की तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए, तो आपके अच्छे स्कोर आएंगे। मानो बात को, यकीन करो ये आपके लिए बेनिफिट है। तो करते हैं आगे, अगर मैं 1 आवर पर सेक्शन के ऊपर लगाऊं पहले दिन, ये देखिए 1 आवर पर सेक्शन, ठीक है। अब 1 आवर को भी डिवाइड करते हैं, 1 आवर को अगर मैं 60 मिनट्स में डिवाइड करना है हमने, ठीक है, 10 मिनट्स, फिर आ गया 15 मिनट्स, कितने हो गए 25, 10 मिनट्स 35, 15 मिनट्स 50 हो गए, 10 मिनट्स खत्म, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, 1 आवर इसमें लगाओगे आप, ये 10 मिनट्स का एक क्वेश्चन होता है, ओके, 10 मिनट्स के अंदर आपने इसको क्या करना है, 40 मिनट्स लगाओ, मींस 4 क्वेश्चंस। अब इसमें तो मुझे पता नहीं लगेगा कि कितने क्वेश्चन करोगे, ठीक है, आप डिवाइड कर लोगे 10 मिनट्स ओनली, यहां पे 40 क्वेश्चंस करोगे, यहां पर एक ही क्वेश्चन करना आपने बस 20 मिनट्स। या आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपने, मैं आपको बताता हूं, फिर उसके बाद 1 आवर इसमें डिवाइड करो, इसमें कितने करने हैं। हालांकि ये जो रेड में मैंने किए हुए हैं टेक्स्ट, पूरे पीटी में 6 ऐसे सेक्शंस हैं जो अनइम्पॉर्टेंट हैं, अगर आप उसको छोड़ भी दोगे या वो गलत भी हो जाते हैं तो भी हमारे 79+ आ सकते हैं, लेकिन बाकी सेक्शंस अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो ये 6 सेक्शंस हैं, ये 4 और ये 2, राइट। अभी इसके अंदर हमने 5 मिनट्स लगाने हैं, 5 मिनट्स कितने हो गए हमारे पास, 10 मिनट चले गए। अब 50 मिनट्स को डिवाइड करना है, 50 मिनट्स को 3 में डिवाइड करो, यहां पर लगाओ आप 10 मिनट्स, 20 हो गए, 15 मिनट्स, कितने हो गए 30, 40, 50 हो गए, यहां पर कर दो आप 15 मिनट्स अगेन, और यहां पर कर दो 20 मिनट्स। मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी वजह क्या है, मैंने इसी को 20 मिनट्स क्यों दिए, इसको 20 मिनट्स क्यों नहीं दिए, 15 मिनट्स को दिए, इसको भी 15 मिनट्स क्यों दिए, इसको 15 मिनट्स क्यों दिए, इसको क्यों नहीं दिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से वीडियो को देखना। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें 10 मिनट होते हैं एक क्वेश्चन के लिए, आप 20 मिनट हो गए, ठीक है। इन सभी सेक्शंस को
5 मिनट्स, ज्यादा नहीं क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट है। अगर आप इस पे नहीं भी लगाना चाहते हो ना तो वो आप डिवाइड कर देना, मैं अभी आपको बताऊंगा वो कैसे करना है। अगर आप इसमें नहीं लगाना चाहते, देखो अगर तो आपका टारगेट 7 ईच या उससे नीचे है, कोई भी हो, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 ईच या 7.5 तक भी, तो ये 6 सेक्शंस है ना, मत करो, प्रैक्टिस ही मत करो, टाइम वेस्ट होगा। तो वो भी मैं बताऊंगा आगे कि आपने अगर ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ये जो सेक्शंस हैं वो हम कैसे डिवाइड करें। कितने हो गए हमारे, 20, 20, 40 हो गया, ठीक है, 40 हो गए, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। अब हमारे 70 हो गए हैं, हमें इसमें से कम करेंगे, हम क्या करेंगे, 2.5 मिनट्स, अब आप कहोगे 2.5 मिनट कैसे लगाएं? मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो देखना गाइस। कोई भी टारगेट हो प्रूव्ड, ऐसी गाइडेंस आपको यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगी इन डिटेल में, कहीं पर भी नहीं। अब देखो गाइस, ये हमारे पूरे 4 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब ध्यान से सुनना, हमने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। देखो 10 मिनट्स रीड अलाउड चाहे गलत हो, कोई भी पूरे स्केड्यूल में आप गलत बोल रहे हो, फर्स्ट डे से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, हमें डे 12 तक पहुंचना है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब रीड अलाउड गलत हो, ऑब्वियसली बात है पहले दिन में कोई इतना अच्छा तो नहीं बोल सकता कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब फर्स्ट टाइम के ऊपर ही अच्छा बोलना शुरू कर जाए। प्रैक्टिस, गलत बोलो सही कर लो, प्रैक्टिस, अभी आप सीख रहे हो, पहले दिन अपने आप को जज करने मत लग जाओ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जज करने लग जाते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट्स 10 मिनट्स। अब इन दोनों में 15 मिनट क्यों लगाएं? क्योंकि ये है लिसनिंग का पार्ट। जो मेरे हिंदी के व्यूअर्स हैं, पंजाबी के व्यूअर्स हैं, जिनको हिंदी और पंजाबी आती है, मतलब उनके घर में, उनके माहौल में बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंट है जिसमें इंग्लिश नहीं बोली जाती। आपके घर में इंग्लिश नहीं बोलते, पंजाबी वाले जो है वो भी इंग्लिश नहीं बोलते, काम पे जाते हो वहां पर भी इंग्लिश नहीं है, कई जगह के ऊपर होगी जो देख रहे होंगे। बट मेरा मेन टारगेट वो है जो बच्चे पास नहीं हो रहे, जिनका लेवल कम है, उनको नहीं पता चल रहा कि हमने करना कैसे है, उनको पास कैसे करवाएं। जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो तो आराम से पास हो जाएंगे, उनको जरा सी टिप्स एंड ट्रिक्स दो, उनका एनवायरनमेंट भी इंग्लिश का है, हो जाएंगे। मुद्दा क्या है, हमने उन लोगों को पास करवाना है, उन लोगों के लिए स्टडी प्लान बनाना है जो स्ट्रगल कर रहे हैं और जिनके पास टाइम की शॉर्टेज है। अब ऑस्ट्रेलिया में या किसी और फॉरेन कंट्री में जाओगे या आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको टाइम नहीं मिलेगा पीटी करने के लिए। मेरे पास ऐसे कई स्टूडेंट आते हैं, 24 घंटे में से 2-3 घंटे 2 घंटे उनके पास पीटी के लिए टाइम होगा, वो भी ब्रेक मिलती है तब। आप तो वो लकी हो अगर आप के पास टाइम है। तो गाइस इन दोनों को 15-15 मिनट मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि ये लिसनिंग का पार्ट है। लिसनिंग, जितना लिसन करोगे तो ही इंप्रूवमेंट होगी। आपके पास बिफोर टू स्टार्ट दिस वीडियो मैं आपको ये बता देता हूं कि इस स्केड्यूल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने कोचिंग ली हुई है या आपके पास टेम्पलेट्स हैं तो आपकी हेल्प जरूर होगी। बिना टेम्पलेट्स के करोगे तो ये टारगेट अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जितनी देर तक गाइडेंस नहीं होगी ना, आपको रास्ता बताने वाला नहीं होगा, तो आप गलत भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये स्केड्यूल उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोचिंग ली हुई है या जिनके पास टाइम नहीं है। जिन्होंने कोचिंग नहीं दी हुई है उनको पहले समझना पड़ेगा पीटी होता क्या है। फर्स्ट डे के ऊपर आप प्रैक्टिस तो कर लोगे, लेकिन आपको जज करने वाला कौन है? घर में यूट्यूब पे ऊपर मेरी वीडियो देख रहे हो लेकिन आपको जज कौन कर रहा है? तो मेरी सलाह मानो, सबसे पहले आप साथ साथ में कोचिंग भी जरूर करो,
फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मर्जी आपकी है, क्योंकि जब आप कोचिंग कर लेते हो या आपको टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टेम्पलेट पता लग जाते हैं, आपके पेपर पास करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए अब देखो, 15-15 मिनट इसको लगाओ, क्योंकि ये लिसनिंग का पार्ट है, क्योंकि लिसन कैसे, लिसनिंग करोगे तो ही इंप्रूवमेंट होगी। रीड अलाउड सिर्फ पढ़ना है, इसके पास अगर टेम्पलेट होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन लीज प्रियोरिटी टास्क का 10 मिनट लगा, 40 मिनट इसके ऊपर इसलिए लगाने हैं क्योंकि इसके अंदर रीडिंग के भी स्कोर्स होते हैं। 20 मिनट्स, 1 मिनट, एक ही ऐसे कर पाओगे। टाइप करके देखना है, टाइपिंग कॉपी के ऊपर लिखना नहीं है, टाइपिंग। कई बच्चे कॉपी के ऊपर लिख लेते हैं, मुश्किल हो जाती है, फिर पेपर में आपसे लिखा नहीं जाएगा। फिर उसके बाद रीडिंग में चले गए, ये दो सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरू में 5-5 मिनट लगा लो, ओके। और री और पैराग्राफ में 15 मिनट, 15 मिनट्स ये वाले फिल द ब्लैंक्स में। अब इसके अंदर आपके पास टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी तो इजी रहेगा, खुद करते रहोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। 20 मिनट्स मैंने इसको दिए क्योंकि ये बड़े होते हैं। देखो दो तरह के फिल द ब्लैंक्स होते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग और अकेले रीडिंग। जो रीडिंग वाले हैं ये, इसको हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग नीचे ऑप्शन दिए होंगे, ऊपर आपने छोड़ देना है। रीडिंग और राइटिंग थोड़े मुश्किल होते हैं, इसको 20 मिनट्स लगाने। और एक और बात, अगर आपके पास टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है तो इसमें परेशानी आएगी। लिसनिंग में फिर वही बात, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 20 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। आपने 2 क्वेश्चन करने हैं बस, ज़्यादा नहीं, इनको 2.5-2.5 मिनट लगाओ क्योंकि ये हमारे लीस्ट प्रायोरिटी टास्क है, बाकियों को 10-10 मिनट, ये इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है ना। अब देखो, सोचने वाली बात है कि ये आप कर रहे हो, राइट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, स्पीकर बोलेगा, आप उसको सुनोगे, देन आफ्टर आप उसको बोलोगे। और इसमें क्या होता है, इसमें लिखा, सॉरी लिखना है आपने, राइट फ्रॉम रिटेशन में लिखना है, स्पीकर बोलेगा आप उसको सुनोगे, आपने उसको लिखना है जो सेंटेंस उसने बोला। और इस केस में क्या होता है, रिपीट सेंटेंस में स्पीकर बोलेगा आप उसको सुनोगे, देन आफ्टर आपने उसको बोलना है। मतलब अगर आप रिपीट सेंटेंसेस की तैयारी कर रहे हो तो मतलब ये भी कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट टास्क है रिपीट सेंटेंस, इसलिए मैंने सबसे ज्यादा दिए इसके अंदर लिसनिंग के नंबर होते हैं। और उसी तरह रिटेन लेक्चर में क्या होता है, स्पीकर बोलेगा आप उसको सुनोगे, देन आफ्टर आपने बोलना है। और उसी सिमिलरली समराइज स्पोकन टेक्स्ट में क्या होता है, स्पीकर बोलेगा, की पॉइंट नोट डाउन करोगे, फिर आपने लिखना है। ये भी सेम हो गए, एक पंथ दो काज हम तैयारी कर रहे हैं। टोटल हमारा क्या हुआ, 15 मिनट्स और 10 मिनट्स, 25 मिनट्स हमारा ये सेक्शन कवर हो गया। रिपीट सेंटेंसेस एंड राइट फॉर्मेशन बोथ आर सिमिलर, इसमें बोलना है उसमें लिखना है। सबसे ज्यादा मैंने टाइम इसको दिया है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी बच्चों को। और उसी तरह 15 मिनट्स इसको और 20 मिनट्स इसको, 35 मिनट्स टोटल आपका हो गया। इसमें भी इन दोनों में दिया है क्योंकि ये मेजर सेक्शन है, एक सेक्शन कर रहे हो दूसरा भी साथ ही तैयारी हो रही है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इसकी करनी है। अब देखो ये तो day 1 हो गया, ठीक है, तो ये आपने अपनाना है सारा रूल। अब day 1 से लेकर day 12 12वें दिन तक हमने कैसे प्लान बनाए, गाइस देखो, पहली बात तो ये कि जिनका 7 ईच तक प्लान है वो ये ना करो, ये और ये। अब इसमें 10 मिनट बचे, वो 10 मिनट आप 5 और 5 इसमें डिवाइड कर लो, 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट्स खत्म। और उसी तरह इसमें 10 मिनट बच गए, वो आप किसमें डिवाइड करो, इसमें कर लो, जिसमें आपको, जैसे इसमें 5 मिनट कर लो, इसमें 5 मिनट कर लो, फिर इसमें 5 मिनट कर लो, या जिसमें आपको प्रॉब्लम ज्यादा आती है ना उसमें डिवाइड कर लो। जैसे मुझे प्रॉब्लम राइट फॉर्मेशन में ज्यादा आ रही है, तो यहां पर 10 मिनट्स जो बचे हैं आप इसमें डिवाइड कर लो 10 मिनट्स ज्यादा। टाइम देख के ये याद रखना, सामने क्लॉक लगा लो या वॉच लगा लो अपनी, ठीक है ना, टाइम देख के, टाइम इज मनी। तो देखो गाइस, ये सेक्शंस को आपने डिवाइड करना, 7 ईच तक तो मत करो, मानो मेरी बात को, ज्यादा के चक्रों में रहोगे ना जो हाथ में है वो भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 7 ईच तक आपने ये नीचे से नहीं करना है। जिनका लेवल 7 पॉइंट, जिसका टारगेट 79 ईच है, ईच, वो इसके ऊपर थोड़ा बहुत टाइम जरूर लगाएं, लेकिन आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता होने चाहिए। मेरी वीडियोस देख लेना, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, सारी वीडियोस हिंदी इंग्लिश पंजाबी में दी हुई हैं, कुछ टेक्निक्स मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं और बाकी जो है वो पेड है, ठीक है। अब day 1 तो ये हो गया, अब देखो day 2 में भी आपने यही अप्लाई करना, day 3 में भी 7 ईच वाले इसके ऊपर फोकस ना करें, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, आप डिवाइड कर लेना खुद अपने हिसाब से,
जिस टॉपिक में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती है उस टॉपिक में आप डिवाइड करते रहना इसके मार्क्स। ओके, डे टू में यही प्लान करना है, डे फाइव तक, डे वन टू डे फाइव तक आपने यही प्लान चलाना है। पहले 5 दिन अपने आप को जज नहीं करना, पहले दिन में बंदा सही नहीं होता, पहले दिन सीखोगे, गलतियां करोगे, दूसरे दिन थोड़ा इंप्रूव करोगे, ऐसे करते करते डे फाइव तक आप सारी चीजें इंप्रूव कर जाओगे। देखो रीडिंग का एक ऐसा सेक्शन है, आप 12वें दिन तक प्रैक्टिस करोगे ना, इसके 100% सही नहीं होंगे क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। रीडिंग हमारे हाथ में नहीं है, मान लेते हैं, बाकी चीजें तो हमारे हाथ में है, इसको हम मैं प्रैक्टिस के जरिए इंप्रूव कर सकता हूँ। समराइज रिटन टेक्स्ट में अगर मैं गलतियां ना करूं उसके भी अंदर रीडिंग के स्कोर है, और लिसनिंग को भी कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ सुन सुनकर। रीडिंग की अगर आप टेंशन ले रहे हो ना कि रीडिंग मेरी तो पहले दिन भी वैसी थी अब 12वें दिन भी वैसी है, ऐसा नहीं होगा, इंप्रूवमेंट तो जरूर होगी। अगर आपके पास टिप्स एंड ट्रिक्स है नीचे लिंक दिया हुआ देख लेना, सारी वीडियोस देखना, फिर फायदा है आपको, बेनिफिट नहीं है कोई अगर इसी स्पीकिंग के लिए राइटिंग के लिए, ऐसा नहीं। अब डे वन से लेकर डे सिक्स तक, फिफ्थ तक आपने ऐसे करना है, डे फाइव। ओके, अब डे, एक मिनट मैं इसको एक्सप्लेन आगे करता हूं। ये देखिए, अब डे सिक्स से, डे 10, 6, 7, 8, 9, 10, अगले 5 दिन क्या करना है आपकी, अगर इस सेक्शन की मैं बात करूंगा, अगर आपका ये नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है, हाँ ठीक है आपको पता तो लग गया होगा, अगर आपका मान लीजिए रीड अलाउड सुधर गया पहले 5 दिनों में, आप इसका टाइम 5 कर दीजिए। मान लीजिए रिपीट सेंटेंस आपका नहीं सुधरा तो 20 कर दीजिए। मेरा इमेज पार्ट सुधर गया या आंसर शॉर्ट क्वेश्चन सुधर गया 5 मिनट इसके, और रीटा लेक्चर जो है वो मेरा नहीं सुधरा, मैंने 20 मिनट्स कर दीजिए। हमने जो टाइम टाइम जो डिवाइड किया उसी को हेर फेर करनी है, ठीक है, उसी को हेर फेर करते जाना है। अब देखो कुछ बच्चों को इसमें परेशानी है कि इमेज में, आप इसमें से मेरा रीटा लेक्चर है वो कर दीजिए और यहां पर 20 मिनट 15 मिनट कर दीजिए, ऐसा कर सकते हो। और उसी तरह बाकी सेक्शंस में मेरा रीऑर्डर पैराग्राफ जो है वो मेरा ठीक हो रहा है कुछ हद तक, तो मैं यहां पर कर दूंगा, लेकिन मुझे यहां पर प्रॉब्लम आ रही है, मैं यहां पर इसको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। उसी तरह बाकी सेक्शंस में करोगे, 10 दिन के अंदर अंदर आप ऐसा कर सकते हो। पहले 5 दिन कुछ नहीं करना, पहले 5 दिन सिर्फ यही वाला अपनाओ, ये वाला। 6ठे दिन आपको पता लग जाएगा कि मैं अब प्लान चेंज करने वाला हूं। 6ठे दिन, 7वें दिन, 2 दिन या 3 दिन, 6, 7, 8, आप क्या करो, आप अपना प्लान चेंज करो। अब 8वें दिन मुझे पता लग गया, यहां पर 8 कर देते हैं, 6, 7, 8। अब 8वें दिन मुझे पता लगा कि भाई मेरा रीड अलाउड खराब हो गया, इसको दोबारा कॉपी करते हैं। डे 8 से ये देखिए, अब 8वें दिन पता लगा कि जिसको मैंने छोड़ा वो खराब हो गया, ठीक है, जैसे कि रीड अलाउड मैंने छोड़ा था ऊपर ये वाला, यहां पर 5 मिनट्स कर देते हैं, पर मुझे लगा कि ये आ गया, फिर वही उसके ऊपर आ जाओ। मतलब आप डिवाइड कर लो, पहले पहले 5 दिन आपने कुछ नहीं करना, वो मेरे वाला अपनाओ, 6, 7, 8 इस 3 दिन के अंदर चेंज कर दो। अगर उसके बाद आपको लगता है कि मुझे इस सेक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, 8, 9, 10, 6, 7, 8 और 9, 10, ये 2 दिन में फिर चेंज कर दो, और 11वें और 12वें दिन आपने रिवीजन करनी है। किसकी? 11वें दिन करोगे स्पीकिंग एंड राइटिंग की, 12वें टेम्पलेट सारा कुछ चेक कर लेना, डे 12 में आपने करनी है रीडिंग और लिसनिंग की। ठीक है, और 13वें दिन आप एग्जाम देने के लिए होपफुली रेडी हो जाओगे।
गाइस मैं आपको पर्सनली ये कह रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, ये वाला स्टडी प्लान अपना के देखो। और जो बच्चे इस स्टडी प्लान को अपनाते हैं, अगर उनका रिजल्ट अच्छा आता है, इम्प्रूवमेंट होती है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मेरी किसी भी वीडियो में या इसी वीडियो को शेयर कर देना लोगों के साथ, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जा सके। क्या होता है कि बच्चे को सारा कुछ पता होता है, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता, पेपर में जाकर कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छे स्कोर्स लेना चाहते हो तो मेरा बैच चलता है, 1-to-1 क्लास चलती है, मैं स्टूडेंट को उसके लेवल पर जाकर पढ़ाता हूँ, कौन सा लेवल है उसका। सारे बच्चे होशियार नहीं होते हैं, मेरा मेन मोटिव है हर एक स्टूडेंट को पास कराना, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। मैं बिलीव करता हूँ टाइम इज मनी, क्वालिटी क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। मेरा वो हिसाब नहीं है कि महीने का मैं ले लूं आपसे 7,000 रुपया या 8,000 महीना और कहूं कि आपको 3 महीने लगाने पड़ेंगे। मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं ऐसा बिलीव नहीं करता हूं। मैं जो मेरी फीस है वो आप मुझे सामने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उससे पूछो, इस नंबर के ऊपर कॉल करो, व्हाट्सअप करो, किसी भी कंट्री में हो, हिंदी इंग्लिश पंजाबी ऑनलाइन क्लासेस, कई बार बैच भी चलता होता है वो हम करेंगे। सिर्फ पैसा मत देखो, ये देखो कि मुझे चीज अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। रिजल्ट आप मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हो, लोगों के रिव्यू सुनो, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा है, सामने दिए गए नंबर के ऊपर मुझे कॉन्टेक्ट करो, अभी व्हाट्सअप करो, सारी डिटेल मिलेगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल ही वीक हैं, आना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, या बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी भी कंट्री में हो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कोचिंग ले सकते हो, हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम हर एक स्टूडेंट को उसके लेवल पर जाकर पढ़ाते हैं। बेस्ट ऑफ लक।